हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं ऑक्सैलिक एसिड का मानक विलयन कैसे बनाते हैं। जो आज का उद्देश्य रहेगा, हमारा आज का जो एम है वो है M/50 ऑक्सैलिक एसिड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करना है, क्योंकि 250 ml के फ्लास्क में। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये आपका उद्देश्य है। ठीक है, M/50 ऑक्सैलिक एसिड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिसे हम मानक विलयन कहते हैं, 250 ml के फ्लास्क में हमको तैयार करना है। तो उसके लिए आपको ज़रूरत होगी मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलरता का जो सूत्र है उसे आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो मोलरता का सूत्र मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोलरिटी जिसे कैपिटल M से हम शो करते हैं, W × 1000 × m × B, और ये किस में लेना है, मिलीलीटर में। ठीक है ना, ये मोलरिटी का फॉर्मूला है, जो कैपिटल M बराबर W × 1000/mB, जो मिलीलीटर में हमने इसका आयतन लिया है। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला इसके लिए यूज करेंगे हम, जो हमें मानक विलयन तैयार करना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करना है। तो यहाँ W का मतलब है जो आपके पास ऑक्सैलिक एसिड है, जिसका सूत्र है C(OH)2H2O। ठीक है, इसकी मात्रा कितनी लेनी है आपको ग्राम में, और स्मॉल m का मतलब है इसका अणु भार। ठीक है, जैसे मॉलिकुलर वेट कहेंगे इसका, तो ऑक्सैलिक एसिड का अणु भार आपको पता होना चाहिए। और v, इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कुल आयतन कितना करना है आपको, तो वो हमने पहले ही आपको उसके उद्देश्य में, उसके एम में दिखा रखा है, 250 ml के फ्लास्क में आपको बनाना है। ठीक है, एक बार इसे दोबारा समझ लें आप। हमारा उद्देश्य है इस वीडियो में M/50 ऑक्सैलिक एसिड का मानक विलयन यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करना है 250 ml के फ्लास्क में। तो इसके लिए हम यूज करेंगे मोलरता का फॉर्मूला, इसे मोलरिटी बोलते हैं। कैपिटल M इज इक्वल टू W × 1000/mB। ठीक है, यहाँ W क्या है, ये W हमें ऑक्सैलिक एसिड की कितनी मात्रा लेनी है, कितनी क्वांटिटी लेनी है वो है, और स्मॉल m का मतलब है ऑक्सैलिक एसिड का अणु भार, और V का मतलब है इस मानक विलयन का, इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना रखना है आपको, कुल आयतन कितना रखना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं। अब उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कितनी मात्रा हम लेंगे ऑक्सैलिक एसिड की। तो यहाँ से थोड़ा इधर दिखाइए, इधर से हमें स्मॉल W जो ऑक्सैलिक एसिड की मात्रा है ये हमें काउंट करना है। तो यहाँ से कैपिटल M × m × B/1000। ठीक है, ये निकल के आएगा। कैपिटल M का मतलब है ऑक्सैलिक एसिड की मोलरिटी जो आपको दे रखी है, ठीक है, 1/50। स्मॉल m का मतलब है ऑक्सैलिक एसिड का मोलिकुलर वेट जो 126 है, 126। और आपको वॉल्यूम मतलब आयतन कितना रखना है, तो वो 250 ml रखना है। यहाँ डिवाइड करेंगे 1000 से, तो यहाँ ये 4 times जाएगा, मतलब 4 बार यहाँ से ये कटेगा। तो 126/50×4, तो ये हो जाएगा आपका 126/200। ठीक है, अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 63/100 आएगा, तो सॉल्व होने के बाद में 0.63 ग्राम। इतने ग्राम आपको ऑक्सैलिक एसिड लेना है। ठीक है, M/50 ऑक्सैलिक एसिड का अगर आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है 250 ml के फ्लास्क में, तो आपको 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड लेना होगा स्टैंडर्ड फ्लास्क में, आशुद्ध जल डालकर, मतलब डिस्टिल बॉटल डालकर। आपको जो टोटल वॉल्यूम रखना है वो 250 ml हो। देखते हैं ऑक्सैलिक एसिड का आप वेट कैसे करोगे। तो ये हमारे पास केमिकल बैलेंस है, जिससे हमें ऑक्सैलिक एसिड का वेट करना है। तो यहाँ से इसे ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद ये हमारे पास 5 ग्लास है, तो 5 ग्लास में रख कर ही हम ऑक्सैलिक एसिड का वेट करेंगे। तो 5 ग्लास यहाँ रखने के बाद तो इसका वेट हमें 0 करना है, तो इसे हम टेयर कर देंगे यहाँ से। तो इस 5 ग्लास का वेट फिलहाल अब 0 है, तो इस पर रख कर हम ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है, इसका सूत्र हमने आपको बताया था C(OH)2H2O,
2H2O, ये ऑक्जेलिक एसिड है। तो ये हमें लेना कितना है, 0.63 ग्राम, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो ये देख सकते हैं आप, ऑक्जेलिक एसिड हमने ले लिया है 0.63 ग्राम, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास स्टैंडर्ड फ्लास्क है, जिसे हम मानक फ्लास्क बोलेंगे। इस मानक फ्लास्क में हम इस ऑक्जेलिक एसिड को डालेंगे कीप की हेल्प से। तो ऐसे हम एक कीप लगा लेंगे और उसके बाद इस ऑक्जेलिक एसिड को हमें इस स्टैंडर्ड फ्लास्क, डिस्टिल वाटर है जो हम डाल रहे हैं, तो डिस्टिल वाटर की सहायता से हम इस ऑक्जेलिक एसिड को इस स्टैंडर्ड फ्लास्क में डालेंगे। और इसका वॉल्यूम कितना रखना है हमें, 250 ml, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन की है, जो हमने ऑक्जेलिक एसिड का जो वेट निकाला है वो 250 ml फ्लास्क के लिए निकाला है। तो ये मेजरिंग फ्लास्क में यहाँ मार्क लगा हुआ है, ये मार्क यहाँ तक 250 ml इसमें इसका वॉल्यूम होगा, यहाँ से ऊपर नहीं ले जाना है। तो जो मार्क बता रहा है, ये मार्क का मतलब है कि यहीं तक इसमें 250 ml इसका सॉल्यूशन आएगा। तो देख सकते हैं आप, ये स्टैंडर्ड फ्लास्क है, इसका मार्क यहाँ तक लगा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसका टोटल वॉल्यूम कर लिया है, तो यहाँ तक ही इसका ये कंप्लीट वॉल्यूम होगा, इससे ऊपर हमें नहीं ले जाना है, नहीं तो हमारा मानक विलयन जो है वो ख़राब हो सकता है। अब इसे इस कॉर्क से अब बंद करके अब सेक करेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है, ताकि इसका एक होमोजेनियस मिक्सर बन जाए, मतलब समांगी विलयन आपको इसका बनाना है। तो ये आपका बना है M/50 ऑक्जेलिक एसिड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इसे हम मानक विलयन बोलेंगे। तो उसके लिए हमने वेट कितना लिया था ऑक्जेलिक एसिड का, 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड का हमने इस केमिकल विलयन से वेट किया था, और उसमें डिस्टिल बॉटल डालकर इस स्टैंडर्ड फ्लास्क में हमने इसका कुल आयतन किया है 250 ml, ठीक है। तो ये जो बना हुआ सॉल्यूशन है, यही आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है M/50 ऑक्जेलिक एसिड का, ठीक है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आपकी आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।